स्टेट लिस्टेड गैंग डकैत सरगना बबली कोल और लवलेस कोल जो विगत 8 वर्षों से इस धारकुंडी मारकुंडी मानिकपुर चित्रकूट करवी क्षेत्र में सक्रिय था और आतंक का पर्याय बना हुआ था, वह कल रात पुलिस इनकाउंटर में मारा गया है और उसके ऊपर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश मिलाकर 6.5 लाख रुपए का इनाम डकैत बबली कॉल पे है और 1,80,000 का इनाम लवलेस कॉल पे है। ये दोनों ही मुख्य गैंग के लीडर्स थे, बाकी सभी कैजुअल मेंबर्स थे या सामान ढोने वाले थे। पुलिस हरसेर की जो अपहरण थी 5-6 तारीख के आसपास की, उसके बाद हम लगातार सक्रिय थे। हमारी कई पार्टी जंगल में थे, हमने मुखबिरों को भी अपने विश्वास में लिया और उनको भरोसा दिलाया कि उसकी हम हर तरीके से रक्षा कर पाएंगे, अगर वो डकैत नहीं भी मारे जाते हैं तो भी हम रक्षा करेंगे, और इस भरोसे के कारण पुलिस को ये सफलता मिली है। कैसे उसके मूवमेंट की खबर मिली? अब ये मैं नहीं कह पाऊँगा कि कैसे, ये हमारा ऑपरेशनल ये है, सीक्रेट है, और इसमें ये है कि देखिए खबर जो है आके चले जाने की खबर डकैतों की बहुत मिलती है, पर हमारे लिए एक वो खबर इम्पॉर्टेंट होती है जिसमें वो आने वाला होता है। बस यही समझ लीजिए कि ये पहले की ये सूचना जो थी वो सभी सूचनाओं पे भारी पड़ी। सर आपसी गैंगवार की भी बात आ रही थी, इसमें सर क्या सकता है? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जानते हैं कि बबली कॉल और लवलेस कॉल ये दोनों मुख्य दो पिलर्स थे इस गैंग के, और बाकी सभी कैजुअल मेंबर थे जिसकी कोई औकात नहीं थी गैंग के सामने। देवर जस्ट लाइक सर्वेंट्स, उनका सामान ढोते थे, उनका ये करते थे, उनके आदेशों का पालन करते थे। तो ऐसे समय में अगर बोलेंगे कि आपसी गैंगवार हो गया तो ये सही नहीं है। ये ज़रूर आपका कहना है कि उसी गैंग में से या कहीं से हमें मुखबिरी मिल जाती है जिसके कारण पुलिस को ये सफलता मिली है, तो ये कहना उचित होगा कुछ हद तक, लेकिन गैंगवार जैसी कोई स्थिति नहीं थी इस गैंग में। क्या ये गैंग समाप्त हो गई है पूरी तरह से? अब बताएंगे, तो मेरे हिसाब से पूरी तरह से समाप्त हो गई है। अब इसमें कोई इनामी कोई लिस्टेड आदमी इसमें बचा नहीं है, सिर्फ यहीं ही नहीं, आज के तारीख में मध्य प्रदेश में कोई भी